नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं आज मध्य प्रदेश सुबह की 10 बड़ी खबरें। कृषि उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाने ठोस कदम उठाए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ निर्यात को भी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। अधिक मुनाफा देने वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों, किसानों को कृषि एवं उद्योगिक फसलों में किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इसका ध्यान रखा जाए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने ये निर्देश गुरुवार को निवास पर कृषि एवं उद्योगिक से संबंधित फसलों की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती के माध्यम से फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि फसलों में गुणवत्ता बनी रहे, जिससे किसानों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने डेयरी उत्पाद एवं दूध से बने पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चंदन की खेती के लिए संभावनाएं तलाशने और इसके लिए लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान और गेहूं का उत्पादन बेहतर है। इसी तरह मोटे अनाजों के उत्पादन के रकबे को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मोटे अनाज और कोदो कुटकी के अधिकाधिक उत्पादन एवं ब्रांडिंग के निर्देश दिए हैं। 15 दिसंबर को खातों में आएंगे 2000 रुपए, 11 करोड़ किसानों को होगा लाभ। आपको बता दें, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। 15 दिसंबर 2021 तक 11 करोड़ 37 लाख किसानों के खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी लाभार्थियों की सूची भी जारी कर दी है। किसान अधिकारी वेबसाइट पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं। इस बार क्रिसमस से पहले किसानों के खातों में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। आपको बता दें, दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली नवी किस्त मोदी सरकार द्वारा किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। अब तक 11 करोड़ 37 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और 1,58,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अब 15 दिसंबर 2021 तक 10वीं किस्त ट्रांसफर करने की योजना है सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर 2021 तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। चूंकि केंद्र सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को किसानों को पैसा ट्रांसफर किया था। आपको बता दें, इसके अलावा गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को देखते हुए मोदी सरकार ने अब राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अब नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को राशन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। बिना राशन कार्ड के पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और न ही आपको 2000 रुपये का फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके लिए खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी सबमिट कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। भाजपा के आदिवासी विधायक आएंगे भोपाल, कांग्रेस जिलों में मनाएगी जयंती। आपको बता दें, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भाजपा विधायकों को भोपाल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस विधायकों को अब तक बुलावा नहीं भेजा गया है। शासकीय स्तर पर जिलों में चल रही आयोजन की तैयारी, मंत्री विधायकों के अलावा भाजपा पदाधिकारी लगे हैं, लेकिन इसमें भी कांग्रेसी आदिवासी विधायकों की पूछ परख नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटों में से 30 पर कांग्रेस काबिज है। कांग्रेसी विधायकों ने जिला स्तर पर बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम रख लिए हैं। आदिवासी बहुल जिलों में भाजपा कार्यकर्ता जनजातीय महासम्मेलन की अलग जगाने और ग्रामीणों को आमंत्रण देने गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। भाजपा विधायकों को विधानसभा क्षेत्र से आदिवासियों को भोपाल लाने का टारगेट भी दिया गया है, लेकिन इसमें कांग्रेस के आदिवासी विधायकों की भागीदारी नहीं जुड़ी है। सरकारी आयोजन के बावजूद इस अनदेखी पर मालवा, बिंदे और माकौशल अंचल के कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति भी जताई है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2021-22 स्कूलों को निर्देश समय से पूरा करे ये काम। आपको बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्दी एमपी बोर्ड कक्षा 10-12 परीक्षा 2022 के लिए पूरी 150 सीटें जारी करेगा। एमपी बोर्ड ने थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा 2022 12 फरवरी 2021 से आयोजित होने वाली है। आपको बता दें, कक्षा 10-12 डिप्लोमा इन प्री वोकेशनल स्कूल एजुकेशन और सर्टिफिकेट शिक्षा प्रति शिक्षण पत्र 12 फरवरी 2022 से शुरू होंगे। 10वीं-12वीं के लिए सिद्धांत परीक्षा 12 फरवरी शुरू होने वाली है और 20 मार्च 2022 को समाप्त होगी और 10वीं-12वीं के लिए व्यवहारिक परीक्षा 31 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। सामाजिक समरसता हमारे सरकार का मूल मंत्र। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सामाजिक समरसता हमारे सरकार का मूल मंत्र है। सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। गरीब, किसान, मजदूर किसी भी वर्ग का हो, उसे सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जा रही है। सरकार हर व्यक्ति के सम्मान और पिछड़ों
के उद्यान के लिए कटिबंध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रतिपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन और इतला वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न शासकीय योजना के 13,397 हितग्राहियों को इतला वितरण किए और 6,68,43,000 की लागत वाले 223 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 34 करोड़ रुपए की लागत से 23 कार्यों का भूमि पूजन किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में केवल जनता का राज चलेगा, हम गड़बड़ करने वालों को सही कर देंगे, सबको न्याय मिलेगा, हम जनता के मान सम्मान और शान में किसी प्रकार कमी नहीं आने देंगे, जनता की सेवा ही हमारा देह है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में हर गरीब को झोपड़े की जगह पक्का मकान दिलाया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे पूरा कर लिया गया है तथा 15,844 नए गाँव नए नाम जुड़े हैं। हर वर्ष प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें।